हेलो दोस्तों, ऐप अड्डा की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाईफाई कनेक्शन एनीवेयर एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन का आप अपने मोबाइल के अंदर सही तरीके से किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, सभी जानकारी इस एप्लीकेशन की इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो का आपको एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, जब भी आप इस एप्लीकेशन को बिल्कुल सही से यूज करने का तरीका यहाँ पर आप जान पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन एक वाईफाई कनेक्शन एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन का यूज करके यहाँ पर आप ये एप्लीकेशन आपको वाईफाई अवेलेबल करके दे देता है, जो कि आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस दिखा देना, ऊपर की तरफ कंटिन्यू टू एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वाईफाई कनेक्शन एनीवेयर का मिल जाता है, प्राइवेसी पॉलिसी रेट एप्स और शेयर एप्स का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है वाईफाई कनेक्शन एनीवेयर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई कनेक्शन टूल्स और वाईफाई क्यूआर स्कैनर, यानी कि आप यहाँ पर क्यूआर करके भी यहाँ पर आप स्कैन करके भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। अब जो ये जो ग्रीन वाला है, जो वाईफाई कनेक्शन टूल्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक ऐड आ जाती है, ऐड को हटा देना है। हटाने के बाद देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको वाईफाई के टूल्स मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों के टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये ऐसे टूल्स है जो दोस्तों जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा और आपके यूज के लिए बहुत ही काम में आने वाले हैं। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, जो वाईफाई कनेक्ट वाईफाई का ऑप्शन आ जाता है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाते हैं, शटडाउन और वाईफाई लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप ये वाले ऑप्शन के अंदर आते हो, तो आपके आसपास जितने भी वाईफाई रहते हैं, जो भी वाईफाई ऑन रहते हैं, यानी कि जो वाईफाई जो ऑन रहते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको आ जाती है। ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट अवेलेबल आ जाती है। तो इजिली आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। शटडाउन भी देख सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो टर्न ऑन टर्न ऑफ। इसमें यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आपके काम का टूल्स नहीं है। ये जो है यहाँ पर आपको वाईफाई के पूरे वाईफाई की लिस्ट अवेलेबल मिल जाती है। अभी मैं इसी जगह पर हूँ जहाँ पर कोई भी वाईफाई अभी नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी वाईफाई का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हु यूज माई वाईफाई, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो कौन वाईफाई यूज कर रहा है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। डिवाइस को भी यहाँ पर आप देख सकते हो, डिवाइस ऑन दिस वाईफाई, तो यहाँ पर आपको वाईफाई ऑन कर देना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका वाईफाई कौन यूज कर रहा है, पूरी डिटेल आ जाती है। वाईफाई इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपका वाईफाई आपने जो भी कनेक्ट किया उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और टर्न ऑन करके यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई को ऑन कर देना है। जनरेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ जाता है, जनरेट यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने वाईफाई के अंदर पासवर्ड भी लगा सकते हो इजिली। यहाँ पर आप देख सकते हो अपर कोड का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, नंबर लोअर केस और सिंबल, यहाँ पर आपको बहुत सारे वाईफाई एक अमेजिंग वाईफाई यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इजिली यहाँ पर आप जनरेट वाईफाई कर सकते हो। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, सिग्नल स्ट्रेंथ का ऑप्शन आ जाता है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स का ऑप्शन आ जाता है, पिंग टूल्स भी देख सकते हो, नीचे की तरफ शो पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ से आप अपने वाईफाई का किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर आप ये एप्लीकेशन आपको निकाल के दे देता है, तो इजिली यहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हो। राउटर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, माई काउंसिल स्ट्रेंथ मिल जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। क्यूआर स्कैन करके भी यहाँ पर आप किसी का भी वाईफाई दोस्तों यहाँ पर आप इजिली स्कैन यहाँ पर आप कर सकते हो। देख सकते हो क्यूआर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो। ऊपर की तरफ गैलरी का ऑप्शन आ जाता है, तो गैलरी से निकाल करके यहाँ पर आप किसी का भी वाईफाई स्कैन कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का यूज करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। फास्ट 10 सेकंड हॉटस्पॉट एप्लीकेशन है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब।